भीलवाड़ा का। दरअसल यहां पर शाहपुरा से अहम जानकारी, शाहपुरा में गणेश महोत्सव के पंडाल में मांस के टुकड़े फेंकने से तनाव जैसी स्थिति। कल अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन किया गया, खाली पंडाल में मांस के टुकड़े मिलने से गणेश समिति व युवाओं में आक्रोश, मौके पर जमा होने लगे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी। पुलिस पर लगा रहे हैं लापरवाही बरतने और गश्त न करने का आरोप। नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी पहुंचे मौके पर, सभापति अब समझाइश कर रहे हैं और ये बेहद दुखद मामला सामने आ रहा है और इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, नहीं तो पूरे तरीके से स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। मूलचंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। मूलचंद, क्योंकि इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त तो नहीं करना चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी संप्रदाय में हो, लेकिन फिलहाल माहौल को बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस प्रशासन पर आरोप, अभी स्थिति क्या है, किस तरह से समझाइश जारी? पूनम, शाहपुरा जिले के जाजपुर के बाद आज शाहपुरा जिला मुख्यालय पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिष की गई है, किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है, यह कहना है शाहपुरा के तमाम लोगों का। गणपति विसर्जन का कार्यक्रम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से कल संपन्न होने के बाद आज उसी पंडाल में किसी जानवर के मांस के लोथड़े, उसका सिर अचानक मिल जाना शहर की फिजा को बिगड़ने के लिए काफी है। देखते ही देखते वहां काफी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि यह पंडाल शाहपुरा के प्रमुख सदर बाजार के बीचों बीच दो प्रमुख मंदिरों के बीच में होने के कारण धार्मिक आस्था का केंद्र है और नगर परिषद के सभापति रघुनंदन सोनी, कांग्रेस पीसीसी मेंबर संदीप जिनगर, भाजपा के नगर अध्यक्ष राजेंद्र बोहरा, हिंदू जागरण मंच के संयोजक हनुमान धाकड़ सहित तमाम लोग बाजार में पहले इकट्ठा हुए, पुलिस के सामने अपना आक्रोश जताया। यह पुलिस चौकी से मात्र 250-300 मीटर की दूरी पर होने के बावजूद रात्रि में गश्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। लोगों ने आक्रोश जताया और देखते ही देखते पूरा बाजार बंद हो गया। पुलिस ने हालांकि अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर रखा है। डिप्टी शाहपुरा रमेश तिवाड़ी, एसएचए शाहपुरा सहित तमाम पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। इन्होंने हालात का जायजा लेने के बाद यह जरूर कहा है कि शहर की फिजा बिगड़ने नहीं दी जाएगी और इस मामले का राजपास कर लिया जाएगा, परंतु शाहपुरा के लोगों के मन में यह शंका है कि जाजपुर में जिस प्रकार से फिजा को बिगड़ने का काम किया गया, कहीं शाहपुरा में भी ऐसा करने का किसी का कोई अंदेशा तो नहीं है। अभी गणेश उत्सव के पांडाल में, लेकिन स्थिति को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये तो जानबूझ के कोशिश की गई है मूलचंद, ये तो साफ हो गया है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है, लेकिन ये माहौल और ज्यादा बिगड़े ना, क्योंकि गुस्सा आक्रोश जाहिर सी बात है, वो भी इस तरीके की पूजा में अगर विघट डालने की कोई कोशिश करता है तो समझाइश कैसे होगी और जो कार्रवाई की मांग की जा रही है वो कैसे की जाएगी? नगर परिषद के सभापति सहित तमाम जो लोग बैठे हैं वो लोग शहर के लोगों से समझाइश भी कर रहे हैं। डिप्टी शाहपुरा रमेश तिवाड़ी, तहसीलदार, पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर निवास स्थान से निकल चुके हैं, वो लोग भी यहाँ पहुंच रहे हैं। निश्चित रूप से सभी लोगों का यह प्रयास है कि शाहपुरा अपने आप में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माना गया है, इसलिए कि यहाँ की फिजा को बिगड़ने नहीं दे। विरोध तात्कालिक दिख रहा है, इसलिए धरना प्रारंभ हो चुका है। फिलहाल पुलिस ने सदर बाजार के सीसीटीवी फुटेज खंगालना प्रारंभ कर दिए हैं। अगर इस फुटेज में कोई जानकारी पुलिस को मिलती है तो निश्चित रूप से पुलिस उस दिशा में काम करेगी। पुलिस का यह साफ कहना है कि अपराधी शीघ्र ही सामने होगा। चलिए ठीक है, नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मूलचंद, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।